दोस्तों, हर साल दुनिया भर के लीडर्स एक मंच पर इकट्ठे होते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव को रोकने की योजना बनाने के लिए। क्या आपको पता है क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव का ट्रेलर पहले ही दिख चुका है? तो दोस्तों, बात है साल 1816 की, जो इतिहास के सबसे भयावह वर्षों में से एक था। इसे ईयर विदाउट समर भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा साल जब गर्मी का मौसम आया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल साल 1815 में इंडोनेशिया में माउंट तम्बोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। यह अब तक का सबसे भयावह ज्वालामुखी विस्फोट था, जिसके फटने से राख और गर्द 10 मील तक ऊपर उठी और 19 मील के इलाके में फैल गई। सल्फर डाइऑक्साइड के एरोसोल्स ने हवा पर कब्जा कर लिया और सूर्य की गर्मी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक लिया। पूरी दुनिया में बारिश और बर्फबारी की प्रलय आ गई। गिरते तापमान ने गर्मियां खत्म कर दी। अमेरिका में जून के महीने में भारी बर्फबारी हुई, वनस्पतियां नष्ट हो गईं, खेती तबाह हो गई, इतनी सर्दी पड़ी कि पक्षी तक जम गए, जानवर मर गए, लोगों को कबूतर और रैकून खाने पड़े। यूरोप में भुखमरी फैली, खाने के लिए दंगे हुए, आयरलैंड में टाइफाइड फैला। मौसम के असर से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता टूट गई। 1817 में हैजा महामारी का पहला विस्फोट हुआ, जिसकी शुरुआत भारत से हुई। यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। अकेले जावा में 1,00,000 लोग मारे गए। इसीलिए आवश्यकता है अतीत के अनुभवों से सीख लेते हुए वर्तमान में ऐसे निर्णय लेने की, जो इस पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व बरकरार रख सकें।